आज हम करने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस का मतलब क्या होता है? काल। अब काल में हमारा कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे सबसे पहले प्रेजेंट। अब प्रेजेंट जो हो रहा होता है, पास्ट जो बीत चुका होता है, फ्यूचर जो आने वाला होता है, राइट। तो इसके अंदर आपको किस चीज का ध्यान रखना है? जैसे सबसे पहले टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए और इंटेंसेस ग्रामर में थोड़ा सा मजबूती चाहिए, तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर जरूर याद करना है, राइट। अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद किया, पूरी वीडियो एंड तक देखी, तो गारंटी के साथ है कि आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर डू डज, एंड वहां पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस तब यूज करना है जब डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। तो यहाँ पर जैसे लिख रखा हुआ है मैंने आई eat, right? Similarly, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं present continuous की, तो इसे बात का ध्यान रखना है उसमें verb के साथ में ing का ध्यान रखना है, right? अब जैसे क्या लिखा हुआ है? I am eating, इसे बात में से use कर दिया, और जो भी verb put करोगे उसके साथ में आपको क्या use करना है? ing का ध्यान रखना है। present perfect की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है? has, have and verb की third form का use करना है, ठीक है। जैसे I have eaten, I have eaten my food, right? तो यहाँ पर क्या आ गया? Has have के साथ में verb की third form, make sure. Next आता है present perfect continuous. इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना है? Has, have, been, verb के साथ में ing, since and for का भी use होता है. अब जैसे इसमें sentence देख लेते हैं, I के साथ have के साथ been. अगर आप has भी put करोगे तो भी आपको वहां पर been put करना है. So, उसके साथ में आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, क्लियर। अब ये होता है प्रेजेंट का। अब नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर पास्ट का। अब पास्ट में देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको डिड एंड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ध्यान रखना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? अगर ईट हो गया मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटिंग, राइट, मेक श्योर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आई एट हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब एंड वर्ब के साथ में आई एन जी का ध्यान रखना है। तो वॉज वर्ब कहाँ पुट करना है? Was indicates to singular, ठीक है, and verb कहाँ पर put करोगे? We के साथ में, they के साथ में, जो plural है। तो यहाँ पर क्या sentence बन जाता है? I was eating, क्योंकि verb के साथ में आपको यहाँ पर ing ही ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये continuous है। Continuous चाहे आपका present हो, past हो, future हो, आपको यहाँ पर verb के साथ में ing ही डालना है, ठीक है। Next past perfect की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर perfect में had वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। अब जैसे आई हैड ईटन, हैड तो पुट कर दिया, क्योंकि हैज अब क्या होता है? प्रेजेंट में। हैड का यूज करना है पास्ट में, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड ईटन। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या ध्यान रखना है आपको? यहाँ पर हैड बीन, वर्ब के साथ में आई एन जी लगाना है, एंड देन सिंस एंड फॉर का यूज करना है। जैसे आई हैड बीन ईटिंग, तो हैड बीन के साथ में यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है उसके साथ में आपने यहाँ पर आई एन जी भी यूज किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारा एक आखिरी बचता है फ्यूचर। अब फ्यूचर में देखिए, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? विल के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना है। जैसे आता है आई विल ईट, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूस का, जिसके अंदर विल बी एंड जो वर्ब के साथ में होगा आई एन जी यूज होगा, जैसे आई विल बी ईटिंग, ओके। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसके अंदर आपको किस चीज का ध्यान रखना है? विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट को। तो इसमें आई विल हैव ईटन, विल आएगा ही आएगा, राइट, और हैव ईटन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किस चीज का आपको ध्यान रखना है? विल हैव बीन, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ में सिंस एंड फॉर का ध्यान रखना है। जैसे आपका सेंटेंस बनता है आई विल हैव बीन ईटिंग, अब इस चीज में ध्यान रखना है। अब कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैम यहाँ पर फ्यूचर में तो शैल भी यूज होता है। शैल हम अक्सर यूज करते हैं जहां पर हमारा वी आता है, जहां पर हमारा दे आता है, जहां पर हमारा आता है, लेकिन अब शेल का यूज कम होने लगा है, अब उसको यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर चाहे आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर विल वर्ड यूज करना होता है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने आज की वीडियो में सिर्फ ये देखा है कि कहाँ पर हमें किस टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और किस टाइप के सेंटेंस में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ये और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है आने वाले दिनों में, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखने हैं, सो प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।